हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफिनाइट रीशा। मैं हूँ रिशानी एंड टुडे आई एम बैक विथ एन अदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ एक अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ एंड शेयर करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट के बारे में। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही फेमस हो चुका है ऑल ओवर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम रील्स में, फेसबुक में। ये बहुत ही वायरल एक फाउंडेशन है। तो मैं भी बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ आज आप लोगों के साथ, तो ये वीडियो ज़रूर इन तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आई एम श्योर। एंड वीडियो पे जाने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए एंड आप वो वीडियो पहले ही देख सकें। तो इस वक्त मेरा जो फेस है, फेस पे कुछ नहीं है, बेयर फेस हूँ मैं। सिर्फ मैंने अपना आई मेकअप कर लिया है एंड ब्राउज कर लिया है और लिप्स पे मैंने एक लिप बाम लगा के रखा है। मेरे फेस में और कुछ नहीं है, लाइक मॉइस्चराइजर भी नहीं है। बिकॉज इसका एक रीज़न है कि मैं इसको देखना चाहती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है ये कैसा है, ये फुल कवरेज है या फिर क्या है। इसलिए मैंने कलर करेक्ट भी नहीं किया है। तो एक साइड मेरे फेस का एक साइड मैं पहले ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं दूसरे साइड के साथ डिफर करूँगी और देखूँगी कि ये कैसा लग रहा है मेरे फेस पे। तो पता नहीं कि कैसा होगा, तो पहले मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। तो ये है वो बॉक्स फाउंडेशन का। तो अभी सिर्फ मैंने इसका ये वाला खोला है, अभी इसका अंदर आप देख सकते हैं ये जो फाउंडेशन है इसका बॉक्स अभी है, अभी भी ये प्लास्टिक में है, तो मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एंड आई डोंट नो ये कैसा होगा प्रोडक्ट। ओके, सो ये है वो फाउंडेशन जो कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, सुनीसा। सो यहाँ पे सुनीसा लिखा हुआ है। तो इसको ट्राई करने के लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इसको मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो खुद के पैसे से मंगवाया था। तो लेट्स सी कि ये कैसा होता है। ओके, सो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम। तो इसको खोल लेती हूँ, बट पहले बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है मैं बोल देती हूँ। तो ये तो अलग ही लैंग्वेजेस है, मैं पढ़ नहीं सकती। सो लेट्स ओपन। ओके, सो मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर फाउंडेशन नहीं है। ओके, इसको ऐसे खोलने के बाद मुझे भी पता भी नहीं है कि कैसे खोलता है। ओके, सो यहाँ पे बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये रहा फाउंडेशन। सो दिस इज़ द फाउंडेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुनीसा एंड ये है वो आई थिंक जो मशरूम शेप्ड ब्यूटी ब्लेंडर है। तो पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर को ओपन कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसा है। तो ये ऐसे करके ओपन होता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर। ओके, सो ये ऐसा एक स्टोरेज बॉक्स में आता है डिब्बा में। तो अच्छा है कि आपका जो पफ है वो सेफ रहेगा, गंदा नहीं होगा एंड सेफ रहेगा। आप सेफली इस पर आप भर के इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सॉफ्ट है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट ठीक ठाक है। बट इसको भिगाना पड़ेगा पहले, अदरवाइज़ ये फाउंडेशन तो पूरा सोक कर लेगा। तो अभी मैं जल्दी जाती हूँ फाउंडेशन पर क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है। ये तो एप्लीकेटर तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है सुनीसा एंड वो सेम जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम रील्स में, वो सेम बॉक्स है। मुझे तो वैसा लग रहा है, बट अंदर क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। तो लेट्स ट्राई। तो एक मिरर जैसा है कुछ, तो अच्छा है ये मिरर, बट ये मिरर बहुत ही ब्लर है, आपका फेस कुछ नहीं दिख रहा है, तो बहुत ही ब्लर है एंड पता नहीं ये क्या क्वालिटी का मिरर है। और क्वालिटी अच्छा नहीं है मिरर का, तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ये मिरर से। सी कुछ दिख नहीं रहा है मिरर से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पुल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पुल। सो पुल करने के बाद ये ओपन होता है एंड यहाँ पे एक कुछ सील किया हुआ है, उसको ओपन करना है। सो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है।
तो इसमें फाउंडेशन थोड़ा सा है, ये बहुत ही वाइट लग रहा है। ये कहीं से भी मेरा शेड तो नहीं हो सकता है, तो स्पंज में लेके देखते हैं कि कैसा होता है ये। इसे वेट करने के बाद ये कुछ ऐसा साइज हो गया है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहाँ पे। वाओ, सी यू कैन सी द डिजाइन, ये बहुत ही अच्छा वाला एक डिजाइन आया है। तो पहले मैं इस साइड फेस का जो ये साइड है, मैं इसमें अप्लाई करके देखूंगी कि ये कैसा लगता है मेरे फेस पे। इसका स्मेल कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मुझे जैसा लग रहा है कि ये मेरा फेस पे बहुत ही वाइट है। बट इसका जो स्पंज है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। पूरा भूतनी लग रही हूँ मैं, इसको कैसे करके भी यूज तो करना है। इसको मैं तो 10 out of 10 दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है ये ब्यूटी ब्लेंडर, ट्रस्ट मी गाइज। और ये फाउंडेशन भी अच्छा है अगर आप बहुत फेयर स्किन टोन वाले में से है तो, अदरवाइज जो मीडियम स्किन टोन वाले हैं वो प्लीज़ ये फाउंडेशन मत खरीदे, या फिर ये जो सीसी क्रीम है ये प्लीज़ मत खरीदे। अदरवाइज अगर आप खरीदते भी हैं, आपका शौक है खरीदने का, बट तो आप क्या करिएगा, इसको एक डार्क स्किन शेड का कोई भी कंसीलर लेके इसको मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। कोई भी व्हाइटनिंग प्रोडक्ट यूज मत कीजिए, आप यही फाउंडेशन को थोप लीजिए, फेस ऐसे ही वाइट दिखने लगेगा। तो ये वैसे बहुत ही अच्छा एक ड्यूवी फिनिश देता है, बट स्किन शेड इसका अगर ऑप्शन होता तो मैं खरीद लेती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लेंड करने में ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है अमेजिंग अमेजिंग, इसको वेट करके आप यूज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छा एक ब्यूटी ब्लेंडर है। तो ये जो साइड है फेस का, मैं इस पर मेरे स्किन शेड प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड मैं देखती हूँ कि मेरे स्किन शेड के हिसाब से अगर ये फाउंडेशन होता तो कैसा लगता मेरे ऊपर। तो यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, या फिर इसको मैं कॉन्टोर स्टिक बोलूँगी। तो मुझे अपना शेड लाने के लिए बहुत बहुत डार्क शेड यूज़ करना है, तो मैं इसको अपने हैंड के जो पीछे इसको मिक्स करूँगी अभी। ओके, तो आई होप कहीं हद तक मैं ये फाउंडेशन को अपने शेड में लाने के लिए कोशिश की हूँ, एंड लेट्स सी ये अभी जाता है कि नहीं। हाँ, फिर भी जा रहा है, उतना भी ख़राब नहीं लग रहा है। यही स्पंज से यूज़ करूँगी। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये लेते हैं तो आप इसको अपनी कंसीलर के साथ मैच करके या फिर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू। सो आई होप कि जो सुनीसा ब्रांड वाले हैं वो और भी थोड़ा शेड्स का जो ऑप्शन है वो ले आए मार्केट में, तो हम लोग के जैसे जो डस्की टू मीडियम स्किन टोन वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेयर वाले जो फेयर स्किन टोन वाले जो है उनके लिए है, तो ये हम लोग के जैसे स्किन टोन वाले में से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेरे शेड का ये फाउंडेशन होता है तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक ग्लो लाया है फेस पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। जिनको ग्लोई लुक पसंद है, जैसे कि मुझे बहुत ग्लोई लुक पसंद है, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है। ये फाउंडेशन मुझे ख़राब नहीं लगा, मैं ख़राब नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये मेरा शेड का मैच नहीं हुआ, इसीलिए बस यही मेरा एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये थोड़ा और भी शेड का जो ऑप्शन है वो थोड़ा और ले आए तो बहुत जन का हेल्प होगा। अदरवाइज़ ये जो फाउंडेशन है ये फेयर के लिए अच्छा है, मीडियम के लिए नहीं है, मीडियम स्किन टोन वाले में से नहीं यूज़ कर पाएंगे आप। मैं अब ये फुल फेस को इसी फाउंडेशन से फुल फेस मेकअप करके आती हूँ,
सो गाइज, ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही एक नेचुरल फिनिश देता है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। तो बहुत ही अच्छा एक ग्लो आया है फेस में, लग नहीं रहा है कि मैंने कोई भी फाउंडेशन अप्लाई किया है, बहुत बहुत ही नेचुरल फिनिश है। एंड मेरा जो यहाँ पे एक्ने स्पॉट था एक, वो भी कवर हो चुका है विदाउट कलर करेक्टर। ये एकदम भी ख़राब नहीं लग रहा है। बस आपको क्या करना है, सीसी क्रीम है इसके साथ, आप अपना कोई भी डार्क कंसीलर मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा से आपको हेल्प कर जाएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा वाइट है, तो फेयर स्किन टोन वाले के लिए ही ये बहुत ही अच्छा से बना हुआ है। सो लेट्स सेट द फेस फर्स्ट। एंड ऐसा नहीं है कि ये क्रीज होता है, ये एकदम भी क्रीज नहीं हुआ है अभी तक। मैंने इतना देर तक मैंने इसको लगा के रखा है, तो अभी तक ये क्रीज नहीं हुआ है, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सीसी क्रीम के बारे में। अगर मैं फाउंडेशन लगाती हूँ एंड मेरा यहाँ पे लाफ लाइन्स है, लफिंग लाइन्स क्या बोलते हैं उसको, तो लाइन्स में वो फाउंडेशन जो है वो इकट्ठा हो जाता है एंड वो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद तुरंत ही मैं सेट कर लेती हूँ। बट अभी मैंने इतना देर तक फाउंडेशन को अप्लाई किया है, बट स्टिल कोई भी लाइन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड ये बहुत ही नेचुरल फिनिश दे रहा है, कोई भी लग नहीं रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा जो फेस है और नेक है अभी पूरा मिल रहा है, ये कलर अभी मैच कर रहा है ये फाउंडेशन का, बिकॉज मैंने बनाया है। तो आप भी अगर ऐसे फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करके आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये फाउंडेशन, ये सीसी क्रीम आपके लिए वर्क करेगा डेफिनेटली। तो 6 out of 10 दूंगी मैं ये सीसी क्रीम को, बिकॉज इसका जो शेड है वो शेड रेंज अगर थोड़ा और वाइड होता तो मुझे अच्छा लगता, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही शेड का ऑप्शन है, तो कुछ करने का है नहीं। देर तक मैंने लगा के रखा है, कोई भी क्रीज नहीं हुआ है, लाइक अंडर आइज में वो इकट्ठा हो जाता है ना फाउंडेशन, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है मेरे फाउंडेशन के साथ। एंड इसका जो ब्यूटी ब्लेंडर है, अमेजिंग अमेजिंग है ये ब्यूटी ब्लेंडर, बहुत ही अच्छा है। लाइक हम लोग डेली लाइफ में जैसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, सेम एग्जैक्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन के साथ फ्री मिल रहा है तो एकदम ख़राब होगा, बहुत ही बढ़िया वाला ब्यूटी ब्लेंडर मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन परचेज इट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो गो एंड चेक इट आउट। मैं अपनी फाउंडेशन को अभी सेट कर लूँगी, अभी तक मुझे तो सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बट स्टिल मैं सेट कर लूँगी। तो सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दिस Fit Me Compact Powder. Okay, you can see the difference now. इस साइड बहुत ही ग्लो कर रहा है एंड मेरा फोरहेड पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही ग्लो कर रहा है, बट इस साइड थोड़ा सा मैट होना शुरू हो गया है। ओके, सो मैंने अपनी फाउंडेशन को सेट कर लिया है, उसके बाद मैं थोड़ा ब्राउन्स कर लूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दिस पर्पल का डुओ पावर कपल 2-in-1 ब्राउन्जर। ब्रॉन्जिंग करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर लूंगी। ओके, सो दिस इज माय फाइनल लुक विद दिस फाउंडेशन सुनीसा सीसी क्रीम। मैं बार बार इसको फाउंडेशन बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये जो सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर सीसी क्रीम है, ये बहुत ही पसंद आया है मुझे, और इसको मैं थोड़ा हाथ में लगा के देखती हूँ एंड वाटर टेस्ट करती हूँ कि ये क्या होता है। इसको तो वाटरप्रूफ इन्होंने क्लेम किया है, तो लेट्स सी ये कैसा होता है। पैटर्न है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सी मैजिक की तरह ये ब्लेंड होता है, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है। और मॉइस्चराइज़र अगर आप नहीं भी अप्लाई किए हैं तो भी चलेगा, यू कैन सी बहुत अच्छा ये ग्लो प्रोवाइड करता है। सी द डिफरेंस, ग्लोई है, यू कैन सी ये बहुत अच्छा एक ग्लो दे रहा है आपकी स्किन को। नीचे मैंने कोई भी हैंड पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर प्राइमर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बट फिर भी ये बहुत ही अच्छा एक ग्लो दे रहा है। तो आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। अगर मेरा स्किन शेड फेयर होता या फिर स्किन टोन मेरा फेयर होता तो मैं ज़रूर इसको 10/10 देती, तो ये मुझे डिसअपॉइंट किया है ओनली बिकॉज ऑफ द शेड रेंज, जो कि बहुत ही कम है, मतलब है ही नहीं, जस्ट एक शेड है इसमें, वो भी फेयर स्किन टोन वाले के लिए है।
एंड वाटर टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट ईजीली शायद नहीं आ रहा है, बट अगर आप इसको घिसेंगे तो ऑब्वियसली ये उठ के आ जाएगा। बट ये फ़िलहाल अभी तक हटा नहीं है फाउंडेशन, एज इट इज़ है यू कैन सी। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया है, एंड इसका जो प्राइस है ये विद इन 450 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं, मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डू चेक इट आउट। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लगा है, एंड अगर लगा है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग वीडियोज़ देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो यार, सब्सक्राइब कर देना, कोई भी पैसा नहीं जाता आपके अकाउंट से, एक भी पैसा नहीं कटेगा। ओके, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटू सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपके पास वो नोटिफिकेशन तुरंत जा सके और आप वो वीडियो पहले ही देख सके। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन वेलकम टू माई चैनल, आई एम रिशानी, और मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, रिव्यूज़ बनाती हूँ, मोर एंटरटेनिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बहुत ही जल्दी मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ न्यू कंटेंट लेके, न्यू वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।